सभी को प्रेम नमन। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही हाई लेवल का है, जरूरी है, क्योंकि पितृ पक्ष के लिए, पितरों के लिए जो समय आ रहा है, इसमें क्या प्रार्थना की जाती है, कैसे प्रार्थना की जाती है, उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, हम इस पर आज बात करेंगे। और ये बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जब जब एक बार वीडियो, सभी लोग जो जूम पर हैं, निवेदन है कि ये लिंक डाल दिया गया है, यूट्यूब पर मूव हो जाएं, कृपया यूट्यूब पर मूव हो जाएं, जो लोग जूम पर बैठे हैं, जूम वाले कृपया सभी यूट्यूब पर मूव हो जाएं, यूट्यूब पर मूव हो जाएं कृपया। सभी से निवेदन है। तो जो पितरों के पितर क्या होते हैं, एक बार थोड़ी बुरी बात बता दूं, क्या उन्हें सच में हमारी श्राद्ध की जरूरत है? श्राद्ध करें तो कैसे करें और क्यों क्यों करें, क्यों श्राद्ध करने की जरूरत पड़ती है? दो तीन बातें बता के फिर मैं अपनी बात पूरी रखता हूं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो श्राद्ध का अर्थ क्या है और क्यों श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अर्थ होता है इसका। एक पहली बात से सिंपल समझते हैं कि श्राद्ध का अर्थ क्या है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। अगर आप सीधे सीधे शब्दों में लेके चलो तो श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। अगर मैं पितर कौन होते हैं, पितरों के लिए सबसे पहले जो जरूरी है समझना कि क्या सच में मुझे उनको हमारी अब श्राद्ध देने की जरूरत है, कुछ श्रद्धा उनके प्रति रखने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत है। उन्होंने हमारे प्रति, हमारे बड़े जो हों, उन्होंने हमारे प्रति बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया जीवन भर। उनकी उनकी जो भी उन्होंने हमारे लिए शुभ कर्म किए, उन्होंने हमारे लिए जो हमें संस्कार दिए, अगर हमारे बड़े थे, या हमारे जो भी हमारे, उन्होंने हमें संस्कार दिए, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, उन्होंने हमें, हो सकता है हमारे माता पिता भी, या दादा दादी या नाना नानी, या उनको किसी रूप में भी हमने देखा हो या ना भी देखा हो हमने, लेकिन उन सब का हमारे होने में, हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है। तो उन सब के प्रति, उनकी जो लीनियज चली आ रही है, उनकी जो परंपराएं चली आ रही है, उनके कारण ही आज हम हैं। उन्होंने संघर्ष किया तो हमारा परिवार और हम जीवित रह पाए, और आज हम हैं, तो उनका हमारे जीवन में, हमारे होने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या उनके प्रति धन्यवाद करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। क्यों ना करें, कोई एक कारण बताए, जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि अब होता क्या है कि माता पिता या पितरों के जो भी किए हुए सारे शुभ कर्म और सारे अशुभ कर्म, सब कुछ लीनियज की तरह ऐसे ही चलता रहता है, इसमें अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा, फिर पितरों को जरूरत क्या पड़ती है? मतलब क्या हमारी उनके अपने खुद के शुभ कर्म, उनके खुद के शुभ कर्म उनके साथ जाते हैं? ये तो सत्य है, अगर उनके किए हुए कर्म उनके साथ गए हैं, हमारे भी हमारे साथ जाने वाले हैं। तो ये तो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो इंडिविजुअल भी होता है। मैंने कर्म किए तो मुझे तो सुख और दुख उसके नाम का भोगना ही पड़ेगा। पर एट द सेम टाइम ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं अगर मैं कोई ऐसा कर्म करके जाऊं जिसका इम्पैक्ट मेरी आने वाली पीढ़ियों पर पड़े, ऐसा भी संभव है। जैसे कितनी ही ऐसी हस्तियां संसार में रही हैं पॉजिटिव, जिनका प्रभाव आज तक इस दुनिया में पड़ता ही रहा है, तो अच्छा भी और बुरा भी। जैसे बहुत से लोग जैसे अपने माता पिता की वो जो बिजनेस होता है वो चलाते हैं, अपने दादा परदादा का बिजनेस चलाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पर को यूज करते हैं। तो माता पिता की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दादा दादी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, या नाना नानी, या मैंने अपने पितरों की, तो पितरों की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करते हैं। पितरों का हमसे, हमारे जीवन में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है। तो जब उनकी अच्छी चीजें हमारी, तो उनकी बुरी चीजें भी हमारी, तो उनका हमारे ऊपर ऋण रह जाता है, पितृ ऋण। पितृ ऋण को चुकाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पितृ, उनकी ये श्राद्ध करने की जरूरत पड़ती है।
तो श्राद्ध का अर्थ ही है कि श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करना। तो हमारे यहाँ पर पूरा इसका प्रोविजन रखा गया है सनातन में कि किस प्रकार से हम श्रद्धा पूर्वक उनके उनके पक्ष में जाकर हम हमें उनके प्रति अपने श्राद्ध अपने श्रद्धा विकसित करें, तर्पण दें, पिंडदान करें। ये परंपराएं उसी लिए बनाई जाती हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट ये है कि अब ये 29 सितंबर यानी कि परसों से चालू हो रहा है और 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों को आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दौरान किए हुए दान पुण्य के कार्यों से घर के पूर्वज जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो डेफिनेटली वो करना चाहिए, जो भी तरीका है परंपरागत चला आ रहा है वो सब करना चाहिए। लेकिन कुछ एक बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ये कि इन दौरान में आपने कोई गलत जो गड़बड़ नहीं करनी, किसी एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना मैंडेटरी होता है इन दिनों में, पता होना चाहिए, कोई ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आप फंस जाएं, मतलब जिसके कारण उनकी उनकी असंतुष्टि हो, उनका दुख हमें झेलना पड़े। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरी चीज जो है मांस मदिरे का सेवन ना करें, तीसरी बात जो है शुभ कार्य अधिकतर मना किए जाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप उनकी ब्लेसिंग लेकर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी मोटे तौर पर जो भी बड़े सलाह दें उनकी सलाह माननी चाहिए, और बाल ना कटाना या ऐसा लोग बोलते हैं, पर मैं इस चीज को बहुत ज्यादा वो महत्व नहीं देता। मोटी बात मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि उनके प्रति श्रद्धा रखना और पशु पक्षियों को तंग ना करना और जो दान पुण्य हो सके देना। मोटे तौर पर ये मैंने मोटा मोटा जो बात कही है, इंपॉर्टेंट है इनमें करें क्या क्या करें। करने वाली जो चीज है वो है श्रद्धा पूर्वक उनके निमित्त प्रार्थना करना और मेडिटेशन करके उनके निमित्त दान करना। मेडिटेशन का नाम का दान, नाम का दान ध्यान करके उनके निमित्त अर्पण करना, जैसे उनके उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी हमें दी आज हम अपनी प्रॉपर्टी उन्हें दें। हमारे हम क्या दे सकते हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन जो उनको जरूरत है, उनके हमारे पुण्य जो उनको जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम उनके निमित्त प्रार्थना करते हैं, हम अपने पुण्य उनको दान करते हैं। चलिए इस प्रोसेस के लिए हम आप सभी की तैयारी चाहिए, सभी को अपने मन से भाव पूर्वक उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक अपने भाव ने व्यक्त करने चाहिए। आइए करते हैं जरा प्यार से। तो सभी से निवेदन है जरा जो भी आपके भाव बनते हैं अपने पितरों के निमित्त, अपने मन में धारणा कर लें कि अब हम श्रद्धा पूर्वक उनको वो सब समर्पित करेंगे, सबको वो सब समर्पित करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो लोग एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, यूट्यूब पर मूव हो जाएं, सब तक पहुंचने में मदद मिलती है बाबा, आप लोग समझ लिया करो, इतनी सी बात है। जूम वाले कहने के बावजूद भी मानते नहीं है, अब आगे से यहाँ रहेगा, जूम रहेगा नहीं, परसों से बात ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या हम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सब सारी बातें का तो कोई कहने वाला ही नहीं होगा। जो आपने कर मर्जी आए कर लेना, अभी कह रहे हैं प्यार से सुन लिया करो, थोड़ी सी निवेदन है। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भावपूर्वक करना, प्रेम पूर्वक करना। अगले 15 दिनों तक इसी वाले वीडियो से देख के आप कर सकते हो। तो यहां से हम प्रार्थना शुरू करते हैं, बड़ी प्यार भरी प्रार्थना हो, भावपूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना। याद रखना हमारे पूर्वजों को हम कुछ धन नहीं दे सकते, हम कुछ हम अपने बाकी कोई शुभ कर्म हम नहीं उनको दे सकते, लेकिन अपना दिया हुआ अपने श्रद्धा जो उनके प्रति हम व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनको इसकी बड़ी जरूरत है, उनको खुशी होती है। अगर पूर्वज 3 तरह के होते हैं, एक तो वो जिनकी मुक्ति हो चुकी होती है, मुक्ति हो चुकी का मतलब परम मुक्ति हो चुकी है, जो जाके मर्ज हो गए परमात्मा में, एक तो वो। दूसरे पूर्वज वो होते हैं जो 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 अगला जन्म ले चुके हैं, मतलब जो अगला जन्म लेके किसी दूसरी जगह पर जन्म ले चुके हैं। तीसरे जो अभी अटके हुए हैं, जो भी गए नहीं हैं, इनकी मुक्ति के लिए इनको जरूरत है। देखो जो अगला जन्म ले चुके हैं उन तक श्राद्ध कैसे पहुंचेगा, परमात्मा उनको जिस जन्म में भी हैं, अगर हमारे भाव हैं तो हमारा किया हुआ पुण्य उन तक किसी ना किसी रूप में परमात्मा कनेक्ट कर देता है, क्योंकि यूनिवर्स में हमारे लिए वो अलग हैं या किसी दूसरे जन्म में हैं, लेकिन परमात्मा के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कर्म किसी भी रूप में किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति को मिल ही देते हैं, बछड़ा लाखों गायों के अंदर अपनी माँ को ढूंढ लेता है, कर्म भी लाखों जीवों में करोड़ों जीवों में अपने भोग्य को ढूंढ लेता है कोई भी कर्म। इसी प्रकार कर्मों तक
तो हमारा किया हुआ जो भाव है ना, भाव किसी के प्रति भी पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ कहाँ और भगवान शिव कहाँ, अगर मैं वैसे कहूँ तो हम यहाँ से बैठ के भाव करते हैं, भगवान तक कैसे पहुंच जाता है? पहुंच जाता है, हमारे भाव पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे भाव पितरों तक भी पहुंच जाते हैं, अच्छे या बुरे दोनों। तो हम क्या करें, अब सिर्फ अपने भाव उनको समर्पित करें कि मैं अपने भाव अपने पितरों को समर्पित करता हूं, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। तो आइए इस प्रार्थना को प्रेम से करते हैं। तो ये प्रार्थना क्या है, हम अपने अपने भाव जो हैं अपने उनको समर्पित करेंगे। आइए तो ये हमारी प्रार्थना अपने पितरों के लिए। तो हम अपने पितरों के निमित्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले ऑरा लॉक कर लें, अपना ऑरा लॉक कर लें सभी। क्राउन से लेकर रूट चक्र तक एक लाइन जरूर बनाएं और राइट पूरा ऐसे घुमाते हुए, मैं यहाँ पर गायत्री मंत्र से अपना ऑरा लॉक करूंगा। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रॉपर तरीके से मैंने ऑरा लॉक करके चारों तरफ एक आवरण बना लें, मेरे चारों तरफ एक शील्ड है, एक आवरण है, हमने बना लिया, क्योंकि हम कनेक्ट करने जा रहे हैं उनकी ऊर्जा से, तो इसमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हम सर झुकाकर प्रेम पूर्वक अपने पितरों के निमित्त ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने इष्ट गुरु का को नमन करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कनेक्शन नहीं बनता। तो मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए प्रेम पूर्वक ये प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे सदगुरु, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, ये मेरी हार्दिक प्रार्थना आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। प्यार से ये प्रार्थना मैं अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ और मैं ये प्रार्थना अपने पितरों के निमित्त करता हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ अपने पितरों का। मेरे पितर जहाँ भी हैं, जो जिस भी अवस्था में हैं, मैं अपना शुक्रिया अपने मन के भाव उन्हें समर्पित करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। बहुत आपने मेरे लिए या हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी उत्तम किया, जो कुछ भी अच्छा किया, जो कुछ भी सुंदर किया, उन सब चीजों के लिए मैं आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आपके बनाई हुई अच्छी परंपराओं की वजह से ही आज हमारा वंश, आज हमारा कुल जीवित है। मैं आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। उन सब अच्छी बातों का जो आप लोगों से हमारे तक पहुंची हैं, वो जो सद्गुण, वो जो उत्तम कर्म जो आपने किए, उसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन पर अच्छा है। मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पितरों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपके किए हुए हर शुभ कर्म आज मेरे जीवन को उत्तम बना रहे हैं। मेरा जीवन आपकी कृपा से, मेरे परिवार आपकी कृपा से फल फूल रहा है। इसके लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सभी पितर, अगर मन मन में आपको पितरों के रिश्ते या नाम उनके याद हैं, तो प्रेम पूर्वक उनका शुक्रिया नाम लेकर, जो उस जीवन में हमारे रहते हुए जो भी नाम था या रिश्ता था, उदाहरण के लिए माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नानी जी, जो भी आपके रहे हों, उनका प्यार से उनका धन्यवाद करें। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने जो भी शुभ कर्म किए, उसके कारण आज मेरे मेरे ऊपर इसका जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हुई हो, आपसे कोई ऐसे अशुभ कर्म भी हुए हों, जीवन है जाने
अच्छा भी हुआ होगा तो बुरा भी हुआ होगा, मैं आपके उन बुरे कर्मों के लिए भी मैं अपने इष्ट गुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं अपने पितरों के सभी बुरे कर्मों के लिए जिनके कारण उनको कोई भी तकलीफ हो रही हो, वो अटके हों, उनकी मुक्ति ना हुई हो, तो मैं उन सब के निमित्त प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मेरे पितरों की गलतियां क्षमा करो, मेरे पितरों की गलतियां क्षमा करो, मेरे पितरों की गलतियां क्षमा करो और उन्हें मुक्ति दो। हे मेरे इष्ट देव, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मेरी पितरों की गलतियां क्षमा करो। मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर उन सब की गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। उनकी गलतियां क्षमा करो प्रभु, उनकी गलतियां क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आनंद मिले, और अगर वो किसी भी कारण से अटके हैं तो प्रभु उनका कल्याण करना, उनका कल्याण करना। मैंने अब तक जो भी पुण्य कर्म कमाए हैं, मैं अपने 15 दिन के पुण्य जो मैं अगले मैंने किए हैं, मैं वो पुण्यों का फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। उनके शुभ कर्म, मेरे शुभ कर्म, 15 दिनों में किए हुए शुभ कर्म मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, ये मेरे पितरों को स्वीकार हो, मेरे पितरों को मेरा श्राद्ध स्वीकार हो, मेरी श्रद्धा स्वीकार हो, मेरी प्रेम स्वीकार हो। उनके चरणों में मैं अपना सर झुकाकर धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें, मेरे भाव स्वीकार करें। आपकी ब्लेसिंग मुझ पर सदा, मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हमारा ये, अगर आप मुक्त नहीं हुए हैं तो मेरी प्रार्थना से आपकी मुक्ति हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, और अगर आप मुक्त हैं तो हमें आशीर्वाद दें, अपना प्रेम, अपनी कृपा, अपनी करुणा हम पर बनाए रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे प्यारे पितृ, आप सभी मेरा मार्गदर्शन करें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। मैं अपने सभी पितरों को नमन करता हूँ, पितृदेवों को, उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक अपने भाव समर्पित करता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरे परिवार पर अगर कोई भी किसी भी तरह की विपदा आती है तो हम पर अपनी रक्षा, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मेरे वो पितर जो असेंड कर गए हैं, जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, आप सबके शुभ गुण आज भी आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हों, अपना आशीर्वाद हम पर और मेरे मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आपकी गाइडेंस मिलती रहे हमें, हर शुभ कर्म में आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे, हम अपने जीवन का परम लक्ष्य पूरा कर पाएं, जिस लक्ष्य के लिए परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है उसको पूरा करने में मेरे पितृ सहयोग करें। मेरी हार्दिक प्रार्थना है अपने पितरों के निमित्त, मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हर शुभ कर्म हमारा पूरा हो, और हमें अशुभ कर्मों से रोकना। अगर मुझसे कोई गलतियां हों, कोई त्रुटियां हों, तो बालक समझकर माफ करना और गाइडेंस देना, गाइडेंस देना। मेरी हार्दिक प्रार्थना है आपके चरणों में, मेरी गलतियां माफ करना, मेरी गलतियां माफ करना, मेरे और मेरे परिवार से हुई कोई भी गलती हुई हो, मेरे परिवार के सदस्यों से भी अगर कोई भी गलती हुई हो तो उनकी गलतियां क्षमा करना। मैंने अगर आपकी किसी परंपरा को नहीं निभाया हो तो भी मुझे क्षमा करना। आपकी मुक्ति हो, आपका कल्याण हो, मैं आपकी आगे की यात्रा के लिए सदैव शुभचिंतक हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आगे की यात्रा सुखद रहे और हम पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, हम पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। मैं आपके साथ साथ सभी पितरों को नमन करता हूँ, अपने पितरों को भी और अन्य सभी को भी नमन करता हूँ, क्योंकि पितृलोक में से आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मेरे परिवार पर और मेरे सभी शुभ चिंतकों पर बना रहे। आपकी गाइडेंस से हम शुभ कार्य करते रहें, और हमारी कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपके साथ साथ अपनी कुल देवी, कुल देवता को भी मैं वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिनकी परंपराओं से ये सब मेरा, हमारा ये वंश चल रहा है,
हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारी गलतियां क्षमा हो, हमारे अवगुण माफ हो, हमारी गलतियां क्षमा हो। मैं पुनः प्रार्थी हूँ कि आपकी कृपा से, आपकी दया से हमारे जीवन का जो ये सच्चा, हम जो सच के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा ये जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हो। मेरे पितृदेव, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना। मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान, समस्त देवी देवताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी ब्लेसिंग से मेरे पितर शांत हैं और उनकी ब्लेसिंग हमें मिल रही है। सभी देवी देवताओं का, त्रिदेवों का और पंच तत्वों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद भी मिले, मेरे पितरों की कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरे शुभ चिंतकों पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पितरों, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और अगर किसी की मुक्ति नहीं हुई है तो मैं उनकी मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं अगले अपने 15 दिन के पुण्य आपको समर्पित करता हूँ, मेरे पुण्य स्वीकार करें। और अगले 15 दिन तक मैं लगातार मेडिटेशन करूंगा, मैं अपने 10 मिनट का ध्यान जो है आपको समर्पित करता रहूंगा, ऐसा मेरा वायदा है। तो इस प्रकार से मेरे भाव समर्पित आप तक पहुंच जाएं और मेरा किया हुआ नाम जाप, 10 मिनट का नाम जाप आपको समर्पित हो, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है। आपकी समस्त गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे पितरों की मुक्ति रहे, मुक्ति हो जाए और मुझ पर उनका, मेरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच। सभी देवी देवताओं का, श्री सद्गुरुदेव भगवान का, सभी पितरों का कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। इस प्रकार हमने प्रेम पूर्वक प्रार्थना हमारी उनके चरणों में स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना। ये प्रार्थना पितृ पक्ष में लगातार इसी प्रकार करते जाना, इसी प्रकार करते जाना। इसका रिटर्न वर्जन इसी वीडियो के नीचे डाल दिया जाएगा। जो भी मैंने भाव समर्पित किए हैं, हमारे वॉलेंटियर्स जो है इसको लिख कर नीचे डाल देंगे। आप वीडियो देखें तो अच्छा है, नहीं देखो तो नीचे प्रार्थना इसी के डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें तो जरूर समर्पित करें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने ये प्रार्थना प्रेम पूर्वक की होगी, भी इसी प्रकार भाव पूर्वक अपने अपने भाव अपने पितरों को समर्पित जरूर करना। बाकी आप श्राद्ध करो ना करो, करो, जरूरी है, क्योंकि परंपराएं निभाना बहुत जरूरी है। तो जरूर करना, जरूर करना श्राद्ध, जो अन्य ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराना होता है अवश्य कराना, क्योंकि ये सब एक सिस्टम के तहत बनाए गए हैं। आखिर उनका गुजारा भी करना है, जो पंडित वगैरह हैं उन सबको भी, उनका भी गुजारा हो और उनकी भी प्रार्थनाएं स्वीकार हो। मंत्र वगैरह जो भी जाप वो करते हैं, जो भी तर्पण की विधि बताई गई है, विधि पूर्वक वो भी करना। पर याद रखना, श्रद्धा की कीमत सबसे ज्यादा है। श्राद्ध है श्रद्धा पूर्वक, श्राद्ध श्राद्ध है श्रद्धा पूर्वक, इसके नाम में ही निमित निहित है। श्राद्ध हो तो श्रद्धा ना हो, तो कोई फालतू का आडंबर ना रह जाए कि बस एक टोटका सा कर दिया, ये करना था, यहाँ पानी रखना था, ये पिंडदान करना था, ये ऐसा करना था, कर दिया, लेकिन मन में भाव नहीं है। भाव श्रद्धा सब सर्वोपरि है। पर हाँ, बाकी चीजें भी अगर आप कर सको तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो अपने एंजल से पूछा है, मेरे गुरुदेव ने जो बताया है, सबसे पहली चीज है नाम जाप, परमात्मा का पवित्र नाम जाप। वो सबको पवित्रता देने वाला है, वो सबके कर्म नष्ट करने वाला है। तो नाम जाप करके 10 मिनट का नाम जाप, जो भी आपको अच्छा लगे उनके निमित्त कर देना। पितरों को आपकी श्रद्धा की जरूरत है, बस इतना। और उनके प्रति प्यार बनाए रखना, भाव बनाए रखना, श्रद्धा पूर्वक नमन करते रहना। आप पाएंगे कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार के साथ रहेगा और आने वाली अनेक मुसीबतें टल जाती हैं। अगर पितर प्रसन्न ना हो तो बहुत सारी तकलीफें रहती हैं, बहुत तकलीफें होती हैं। तो शादी ब्याह में रुकावट आती है, कोई अच्छे काम में रुकावट आती है, जमीन नहीं मिलती या अन्य बहुत सारी दिक्कतें आती है। मैं सब इन चीजों का बहुत जिक्र तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं वो हैं। क्योंकि अगर ये प्रसन्न ना हो और आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो उनकी परंपराओं के प्रतिकूल हो, तो इनकी आपके ऊपर नाराजगी भी हो जाती है। आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके किसी पितरों को मीट मच्छी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पहले बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, स्ट्रिक्ट, आज लोग खाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं लगता। या कोई ऐसा काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं था, जिससे परिवार का नाक नीचा हो, परिवार का नाम बदनाम हो, तो वो अप्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो अप्रसन्न हो जाए तो फिर दुख होता है।
छोटी मोटी बातों की मैं बात नहीं करता, ये लोग आजकल पंडित लोग बहुत सारी चीजों में वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मतलब वो अब ये नहीं खाना, लौकी नहीं खानी और दाल नहीं खानी, फलाना नहीं खानी, डिमकी नहीं खानी। अब वो समय का मांग हो सकती है कि आप खाएं ना खाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतने खाने से कोई पितर तो नाराज नहीं होते। हाँ, पितर नाराज आपके एक्टिविटी से, गतिविधियों से हो सकते हैं कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया जो उनकी उनकी सोच के प्रतिकूल था, फिर ऐसे उनको बुरा बहुत लगता है और कभी कभी उनकी नाराजगी के कारण हमारे सारे काम लटक जाते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति अपने भाव जरूर समर्पित करना और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना कि उनकी गति हो जाए, साथ में उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो ये जो भी प्रार्थना है जरूर अगले 15 दिन तक जारी रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने, सभी से निवेदन है अभी कर दें जरा, ये लोग जो जूम वाले हैं ये भी, और जो जो जूम वाले हैं ये भी, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज उसे वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे समाप्त करते हैं, सभी लाइक कर दें, सभी से निवेदन है, मौका मिला है थोड़ी सी सेवा करने का, ये भी एक चांस ही होता है, अगर आपको मिल दिया जा रहा है रोज तो ठीक है, कल से नहीं, कल आखिरी है, उसके बाद फिर जा रहे हैं, फिर आप फिर कौन कहेगा, कहना ही नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बात को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जहां पर जिससे बन पड़ता है, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लिंक कॉपी कर लीजिए और सब जगह शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना।